एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ पहले भी जो ऑफ़र शेयर किया था न्यूट्राली का, वहाँ पे अभी ना फिर ऑफ़र चल रहा है। सो अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना हो, चाहे वो शैम्पू हो या फिर कंडीशनर हो या फिर फेस वॉश हो, इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, जिस वजह से मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। हालाँकि जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं उसको मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था, सो आज की वीडियो में उसे अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगी। सो अगर आपको अभी लेना है न्यूट्राली के कुछ भी प्रोडक्ट्स या फिर पर्पल से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हो, सो यहाँ पे टाइमिंग से सेल स्टार्ट होती है, उसमें भी आप अलग के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी परचेज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप ये शैम्पू भी देख सकते हो जिसकी क्वान्टिटीज़ अलग अलग हैं, और यहाँ पर ये 35 रुपीज़ से स्टार्टेड प्राइजेस का। सो आप चाहो तो चेक करने के बाद भी बड़ा ऑर्डर कर सकते हो। मैंने यहाँ से ये शैम्पू भी ऑर्डर किया था। जब मैंने शैम्पू ऑर्डर किया था तब इसका जो MRP है वो 49 था, एंड अभी इसका MRP 149 हो गया। सो आप वेट करो, ये आता जाता रहता है। सो आप मिडनाइट में ट्राई करना, आपको ये 49 में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा ये वाला पार्सल मुझे डिलीवर हो गया था, सो मैंने इसलिए आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है कि अभी भी ये ऑफ़र चल रहा है अगर आपको ऑर्डर करना है। सो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। 37 रुपीज़ में अभी हो गया है, 7 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया है प्राइस, लेकिन आपको ये 30 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है मिडनाइट में आप ट्राई करोगे। सो मिनिमम जो क्वांटिटी है वो आपको 2 से 3 रखना पड़ती है, तभी आप ऑर्डर कर सकते हो। सो पर्पल पे कुछ इस तरह का रहता ही है। अगर आपको 100 रुपीज़ के अंडर कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसमें आपको क्वांटिटीज़ डबल या फिर ट्रिपल ऐड करना पड़ती हैं, और इसमें सारे न्यूट्राली के प्रोडक्ट्स हैं और भी हैं। पर्पल हॉल पे मेरे कुछ काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा था, इस वजह से मैंने और भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, बट आज मैं आपके साथ यही प्रोडक्ट शेयर करूँगी। एंड इसके अलावा एक स्मिटन बॉक्स था जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की थी, वो भी मैं दिखाऊँगी। और इसमें कुछ खास ऐसा दिखाने के लिए नहीं है, शैम्पू एंड फेस वॉशेज़ हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 की क्वांटिटीज़ में ही इसे मंगवाया था। पर्पल में ना पैकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन लोग देते हैं, अलग से इसका प्रोसेसिंग चार्ज आता है। सो कुछ लोगों में इलाइट मेंबरशिप ख़त्म हो गई है, बट मेरे में अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। और इसको मैंने 27 रुपीज़ में ऐड किया कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे कोई शिपिंग चार्ज पे नहीं करना पड़ा था। सो ये 27 रुपीज़ की ऐड हो गई थी, और अभी भी इलाइट मेंबरशिप मेरी ना चल रही है, अलग से कोई भी प्रोडक्ट मेरा मतलब शिपिंग चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है। सो ये 2 कंडीशनर मैंने लिए थे, 2 की क्वांटिटीज़ में ऐड हो रहे थे, तो 2 की क्वांटिटीज़ में ही मैंने इसे ऐड किया था। इसके अलावा आप घटा नहीं सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। काफ़ी अच्छे कंडीशनर हैं, यूज़ करने के बाद मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, अनबॉक्सिंग मैंने शॉर्ट्स में ही शेयर कर दी थी। सो ये वाला जो कलर है इसको मैंने अभी अप्लाई किया है अपने नेल्स के ऊपर, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसे कलर ना मेरे नेल्स पर नहीं अच्छे लगते हैं। सबसे पहले है ये एक ही वेरिएंट में मंगवाया है न्यूट्राली का, ये फेस वॉश है एवोकाडो वाला, प्योरीफाइंग फेस वॉश है। इसमें आपको जो वेरिएंट है ना अलग अलग मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने चारकोल वाला मंगवाया था, उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कराई थी, एंड उससे फेस वॉश करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लगता है। सो वो इतने अच्छे से सूट नहीं किया था, और ये वाला काफ़ी अच्छा है अगर आपकी स्किन जो है ना सेंसिटिव है, सो फिर आप ये वाला वेरियंट ट्राई कर लेना, काफ़ी अच्छा है। एंड फेस वॉशेज़ या फिर शैम्पू या कंडीशनर वगैरह तो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो काम आ ही जाते हैं, एंड इतने सस्ते मिल रहे थे तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। एंड इसका जो ओरिजिनल MRP है वो है 75 रुपीज़, एंड मैंने इसके लिए 30 रुपीज़ पे किया है। नेक्स्ट है मेरे पास ये कंडीशनर, इसकी जो ओरिजिनल MRP है वो 19 रुपीज़ है, एंड 80 ml का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। सेम ना ये डव के जैसा है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम डव कंडीशनर के जैसी है, एंड उससे भी कहीं ज़्यादा थिक है। तो इसको अप्लाई किया था, काफ़ी अच्छे से बालों को ना सिल्की एंड स्मूथ भी बना दिया था। तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है, और फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है, और 45 रुपीज़ में तो काफ़ी अच्छी डील है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैंने 200 रुपीज़ पे किया था, जिसमें यह 27 रुपीज़ का नेल पेंट भी इंक्लूडेड है। सो ये वाला मेरा जो पार्सल है ये स्मिटन का, इसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, शॉर्ट्स में इसके अनबॉक्सिंग शेयर की थी। सबसे पहले ये मामा अर्थ का रेडियंस सीरम जो कि मुझे फ्री मिला था, वहाँ पे कुछ घंटों के लिए ना सेल चलती रहती है जिसमें आपको कोई फुल साइज प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। फिर 1 ट्रायल पॉइंट में ये स्मिटन का बॉक्स था। नेक्स्ट 5 ट्रायल पॉइंट में मैंने ये बेंजोर पैरिस का फोटो मैच फाउंडेशन लिया था, सिर्फ 5 ट्रायल पॉइंट में है। हालाँकि मैं इसे एक बार और परचेज़ कर चुकी हूँ,
जब टू शेड वहाँ पे ऐड था तो टू किया था। एंड ये SPF 20 के साथ आपको मिल जाएगा। इस बार मैंने थोड़ा सा एक नंबर इसमें लाइट शेड परचेज़ किया है, सो भी आई थिंक ये स्टॉक में नहीं है, या फिर आप चेक कर लेना, लिंक मैं दे दूँगी। दोनों के शेड एक शेड ज़्यादा हैं, और कांच की बॉटल में इस तरह से आपको मिल जाएगा। लेबल इस तरह से एक पीछे लगा हुआ है एंड एक फ्रंट के ऊपर कैप के ऊपर लगा दिया है, और काफ़ी अच्छा है कवरेज। आपको बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज वाले फाउंडेशन नहीं है ये। स्मेल थोड़ी सी इसकी बुरी है, बाकी मुझे बहुत सही लगे हैं, और शूट वूट करने के लिए परफेक्ट है। और 13 ml प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है, एंड जो इसकी MRP है वो 495 rupees है। सो मुझे अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने परचेज कर लिया। अच्छे से ब्लेंड भी हो रहे हैं और कवरेज भी अच्छी खासी है, बहुत ही फुल कवरेज नहीं है। अगर आप 2 से 3 कोड ना अप्लाई करोगे तो ये फुल कवरेज भी बन जाएगा, एंड काफ़ी सारे हैक्स भी होते हैं, सो उनको देखने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई है। सो ये काफ़ी अच्छे फाउंडेशन है, इसमें हल्का सा ना थोड़ा सा मॉइस्चर भी है। सो ऐसा इसका स्वेच है, एंड कवरेज भी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा कवरेज वाले फाउंडेशन पसंद भी नहीं है, और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। अभी मेरे हाथ पे ना हेयर्स हैं, इस वजह से ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा, उसमें अजीब सा लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे फेस पे अप्लाई करोगे तो ये अच्छे से ब्लेंड होगा, एंड कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद बेस काफ़ी अच्छा बन जाएगा। फिर 1 trial point में मैंने ये लिया था, ये कॉम्बो है, और वहाँ पर ऐसे ही शो हो रहा था, एंड ये इस बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। इसमें 2 का कॉम्बो है, इसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो अगर ये स्टॉक में हुआ तो आप परचेज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी नए नए प्रोडक्ट और ऐड हुए हैं, जैसे स्विस ब्यूटी के लिपस्टिक वगैरह हो गई एंड फाउंडेशन वगैरह हो गए, वो सिर्फ 2 trial point में मिल रहे हैं, बट उसमें आप एक ही ऑर्डर कर सकते हो। जब रैनी की लिपस्टिक ऐड हुई थी ना तो सारी आप ऐड कर सकते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उनका भी पॉइंट इंक्रीज़ हो गया था, बट अभी वहाँ पे आप 2 trial point में स्विस ब्यूटी की कोई भी लिपस्टिक या फिर फाउंडेशन अगर आप लेना चाहो तो वो आप ऐड कर सकते हो। बहुत ही छोटे से हैं, सैम्पल साइज़ हैं, अगर आपको लिपस्टिक ही परचेज़ करनी है या फिर ट्राई करनी है सो आप वो कर लेना। सो इतना कुछ खास ऑफ़र मुझे अभी लगा नहीं है, स्मिटन पे अभी कुछ इस तरह का ऐड हुआ नहीं है, सो जैसे मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। सो जैसे ऐड होगा या फिर कुछ न्यू प्रोडक्ट लगेंगे इंटरेस्टिंग तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा पहले से मेरे पास काफ़ी सारे पार्सल हैं जिसको मैं धीरे धीरे अनबॉक्स करके आपके साथ वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मामा अर्थ का सीरम है जो कि फ्री मिला था, इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा क्यूट सी है और बहुत ही वाटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी, एकदम लगता है वाटर अपनी स्किन में ना ब्लेंड कर लिया, हल्का सा ऑयल मिला दो वाटर में। बाकी इसमें कोई खास बेनिफिट मुझे लगा नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने सजेशन मांगी थी, उसमें हील ऑल पे सबसे ज़्यादा सजेशन आई है। सो उसके एक दो पार्सल ये मुझे अभी डिलीवर हुए हैं, मैं वेट कर रही हूँ सारे पार्सल मुझे मिल जाएँ। मेरी सिटी में ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से मेरे जो पार्सल हैं वो डिले हो जाते हैं, उनका ही मैं वेट कर रही हूँ। मैं ये मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा दिखा के थक गई हूँ, मतलब बोर हो जाता है बंदा एक ही चीज़ करते करते। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ डिफरेंट आपके साथ शेयर करने का। सो पार्सल जैसे ही मुझे डिलीवर होंगे मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हील हॉल शेयर करने वाली हूँ मीशो से, एंड मीशो से मेकअप भी मैं परचेज़ कर रही हूँ। सो धीरे धीरे पार्सल मेरे कलेक्ट हो रहे हैं, मैं आपके साथ जल्दी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी।